हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इज इजी विथ राज सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जो है मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आप यदि कमजोर विद्यार्थी भी हैं तो अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको जो है ना कमजोर से तेज की सफर कैसे तय किया जाता है वो सारा चीज हम सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से ही हम स्टार्ट किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप सब पिछले वीडियो मुझे नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसे जरूर देखेंगे। वीडियो भगा के नहीं देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच बीच में वैसे वैसे वर्ड का यूज करते हैं हम, जिससे जो है ना आपके कैरियर में चार चांद लग सके। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम आपको वीडियो डालेंगे वह एक सिस्टमेटिक ढंग से डालते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थी जिनके पास पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है उन सब तक भी पहुंच सके और वह अपने लाइफ में कुछ बन सके। मेरे प्यारे बच्चों, YouTube के दुनिया में मेरी नई कदम है और इसे धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में वॉइस, वीडियो ये सब की प्रॉब्लम आ सकती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपका कॉपरेशन मुझे हिम्मत देगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जिससे आपके लिए मेहनत करने से हम और ज्यादा जो है तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक भी वीडियो मिस मत करना, एक बार दो बार वीडियो जरूर देखना, जिससे जो है ना आपको जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक में पूरी तरह से आपको कमांड हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस स्ट्रॉन्ग करने का जो है ये सब मेन टर्म है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला मेरा टारगेट होगा आपका बेस को स्ट्रॉन्ग कर देना, जिससे कैलकुलेशन आपका काफी फास्ट हो जाएगा। और मेरा एक ही भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव मैथ्स बनाए विदाउट पेन। कोई भी ऑब्जेक्टिव मैथ्स को विदाउट पेन बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए हम लोग चल रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अर्थात फ्रैक्शन का जो है ना आज हम सब काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों 15/3y7, इसे जो है ना पढ़ते हैं 15/3y7, 15/3y7 या 15.3/7। मेरे प्यारे बच्चों, 15/3y7 को आप 15+3y7 भी लिख सकते हैं। यदि आपको 19/14y27 है तो इसे जो है 19+14y27 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको इसी का जस्ट उल्टा दे दिया जाए 18+15y19 दे दिया जाए तो इसे आप 28/15y19 लिख सकते हैं। 16 प्लस
19y 41 दे दिया जाए, इसे आप 16/19y 41 लिख सकते हैं। ये जो है सभी सेम चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसी में यदि आपको दे दिया जाए 12 + 18/5/7, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे 12 + 18 = 30, 12 + 18 = 30, पूर्णांक 5/7। यदि दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 24 + 12 = 15/41, तो इसे आप लिख सकते हैं 24 + 12 = 36, पूर्णांक 15/41। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीका से आप लिख सकते हैं। यदि आपको जो है 19/15y 17 दे दिया जाए -18 दे दिया जाए 19.15/17 - 18, मेरे प्यारे बच्चों यदि भिन्न में से संख्या को घटाना हो तो इजी वे में घटा देंगे 19 - 18 1.15/17। यदि दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 24 + 12 = 18/43 - 20, मेरे प्यारे बच्चों 24 + 12 = 36 - 20 = 16, 16.18/43। मेरे प्यारे बच्चों इसी में दे दिया जाए 25 + 14 + 12/17y 29 - 13, तो इसे कैलकुलेट करेंगे 25 + 14 = 39, 39 + 12 = 51, 51 में से 13 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 38/17y 29। कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी टर्म पूर्णांक में हो तो उसका तात्पर्य होता है इसके बीच में प्लस हो जाना। कोई भी टर्म पूर्णांक में हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ही हो जाता है बीच में प्लस हो जाना। यदि प्लस है इसका मतलब पूर्णांक में हो जाना, क्योंकि इसे जब आप तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप देख रहे हैं कि 12 + 18 + 5y 7, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी टर्म यदि पूर्णांक में हो इसका मतलब है कि वह प्लस में है, उसके बीच में प्लस छिपा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सभी को इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं और इजी वे में देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। अब जो है अभी हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी भिन्न में संख्या को जोड़ना हो या किसी भिन्न में से संख्या को घटाना हो, भिन्न में से संख्या को घटाना हो मेरे प्यारे बच्चों तब ये कंडीशन लग गया। लेकिन यदि किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो मेरे प्यारे बच्चों तब कैसे करेंगे वो ध्यान देंगे। चलिए देखिए, यदि किसी भिन्न में से यदि आपको 15 - 7y 11 ये घटाना हो मेरे प्यारे बच्चों, 15 - 7/11 को घटाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए। इसके लिए हम बता रहे हैं यदि संख्या में से भिन्न को घटाना हो, यह हम लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों,
संख्या माइनस अंश बटा हर। कब? जब अंश छोटा हो हर से। जब अंश छोटा हो हर से मेरे प्यारे बच्चों, यदि संख्या में से भिन्न को घटाना हो, कब? जब अंश छोटा हो हर से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बात को सदैव ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि जब संख्या में से अंश बटा हर मतलब भिन्न को घटाना हो, कब? जब अंश छोटा हो हर से। जब अंश छोटा हो हर से मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए एक घटाएंगे, इट मीन संख्या माइनस वन। ये कब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जब अंश छोटा हो हर से, उसके लिए एक घटाएंगे, पूर्णांक लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हर में से अंश को घटाएंगे, हर माइनस अंश बटा हर। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझेंगे, यदि किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो, यदि किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो मेरे प्यारे बच्चों, कब? जब अंश छोटा हो हर से, उसके लिए एक घटाएंगे, संख्या माइनस वन, पूर्णांक। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हर माइनस अंश बटा हर। इस तरीका से जो है कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इजी वे में हो जाएगा। अब देखिए, यहां देख रहे मेरे प्यारे बच्चों, अंश ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। कहने का तात्पर्य, नोमिनेटर वाई डिनोमिनेटर, मेरे प्यारे बच्चों नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसके लिए नंबर में से एक घटाएंगे, अंश छोटा है हर से, उसके लिए एक घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पंद्रह माइनस वन चौदह, पूर्णांक। नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्यारह माइनस सात इक्वल टू चार बटा ग्यारह, आंसर। यदि आपको दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 29 माइनस 14 बाई 31, मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम बताए हैं, यदि अंश छोटा हो हर से, उसके लिए एक घटाएंगे, अंश छोटा है हर से, इसके लिए एक घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 29 माइनस वन 28 अपॉन, नीचे से ऊपर घटाएंगे, 31 माइनस 14 इक्वल टू 17 बाई 31। यदि दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसी में 32 माइनस 109 बटा 509 दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अंश छोटा है हर से, चाहे जितना ही बड़ा टर्म क्यों ना हो, यदि अंश छोटा हो हर से मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से एक घटाएंगे, 32 माइनस वन करेंगे 31, पूर्णांक। नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 509 माइनस 109 इक्वल टू 400 बाई 509। यदि 700 माइनस 299 बाई 999 दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अंश छोटा है हर से, इसके लिए एक घटाएंगे। आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, आप तेज से तेज विद्यार्थी क्यों ना हो, मेरे प्यारे बच्चों आपको सफलता हम दिलाएंगे। बस आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं या फिर क्लास में है, क्योंकि बारीकी सी सभी एक एक टर्म को हम तोड़कर सिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ही परेशानी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अंश छोटा है हर से, बस सिस्टमेटिक ढंग से जो है ना, आप वीडियो देखते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और उतना जोश और जुनून के साथ आपके कैरियर के लिए तैयार रहेंगे।
यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 999 माइनस 299 700, अंश छोटा है हर से एक घटाएंगे, 700 माइनस 1 699 अपॉन नीचे से ऊपर घटाएं 700 बाई 999। मेरे प्यारे बच्चों यदि इसमें दे दिया जाए 18 माइनस 7 अपॉन 14 बाई 31, 18 माइनस 7 पूर्णांक 14 बटा 31। मेरे प्यारे बच्चों अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, इसके लिए एक घटाएंगे जबकि पहले से 7 घट रहा है तो टोटल 8 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 पूर्णांक, नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 31 माइनस 14 इक्वल टू 17 बटा 31। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको दे दिया जाए 29 माइनस 16 अपॉन 31 बाई 42। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे अंश छोटा है हर से, जब अंश छोटा हो हर से मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए एक घटाते हैं और पहले से 16 घटने के लिए तैयार है, इसके लिए एक घटाएंगे 16 पहले से घटने के लिए तैयार है, टोटल 17 घटेगा तो 29 माइनस 17 इक्वल टू 12 अपॉन नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 11 बटा 42। कोई भी कैलकुलेशन आप चुटकी में करने के लिए सिखाएंगे, यदि आपको दे दिया जाए 999 माइनस 997 अपॉन 995 बाई 999। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जनरल कंपटीशन में, देख रहे हैं अंश छोटा है हर से, यदि अंश छोटा हो हर से मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए एक घटाएंगे जबकि पहले कितना घट रहा है 997 घट रहा है तो टोटल 998 घटेगा तो 999 माइनस 998 इक्वल टू 1 अपॉन नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 बाई 999 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको दे दिया जाए 17 माइनस 16 अपॉन 4 बाई 11, अब यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अंश छोटा है हर से, इसके लिए एक घटाएंगे जबकि पहले से 16 घटने के लिए तैयार है तो टोटल जो है ना 17 घट जाएगा, तो 17 में से 17 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहां 0, नीचे से ऊपर घटाएंगे 11 माइनस 4 7 बाई 11। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना इसे 0 बना देता है जो कि गलत है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 0 अपॉन 7 बाई 11 कहने का तात्पर्य आपको बताए थे पूर्णांक का मतलब है बीच में प्लस, और जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या ही रह जाती है अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होती है, अर्थात इसका आंसर होगा 7/11 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों अभी जो हम बताएं संख्या में से किसी भिन्न को घटाना, भिन्न करने का तात्पर्य अंश बटा हर, आगे चल के और फ्रैक्शन बताएंगे, मतलब फ्रैक्शन में बड़ा छोटा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सभी टॉपिक को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम आपको एडिशन सबट्रैक्शन और एडिशन एंड सबट्रैक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड रेकरिंग एनवार मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सिखाएंगे, कोई भी गुना चुटकी में बनाएंगे, डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट सर्ट्स एंड इंडिसेस एलसीएम एससीएफ सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम नंबर सीरीज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट
टाइम डिस्टेंस अंडर स्पीड बोट अंडर स्ट्रीम रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन डिवीजन मिक्सर इरिगेशन पार्टनरशिप एज प्रॉब्लम एवरेज टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न मेंसुरेशन अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिज्मन पिरामिड परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल ये सभी टॉपिक ए टू जेड टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पाई चार्ट लॉगरिथम ये सभी टॉपिक गेम एंड रेस जितने भी टॉपिक है मैथ्स का हो टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक हो सभी टॉपिक को सिस्टमेटिक ढंग से बताते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप यदि कमजोर विद्यार्थी भी हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपको तेज बना के रहेंगे और आपका रिजल्ट दे के रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आप भी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों। जब आपको समझ में नहीं आएगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार वीडियो को प्ले करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको जो भी हम प्रतिदिन वीडियो डालेंगे उस वीडियो को उसी दिन कंप्लीट करना है। दो बार देखकर तीन बार देखकर चार बार देखकर जो है मेरे प्यारे बच्चों करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कॉमेंट में लिखेंगे, जैसे कॉमेंट में एक मेरे भाई लिखे हुए थे शायद वेदा या कुछ नाम है भाई को हम बता दें, वो बोला कि मैथ्स में हम बहुत कमजोर हैं। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी स्टूडेंट मैथ्स में कमजोर नहीं होती है, यदि कोई भी विद्यार्थी कमजोर होता है उसके पीछे टीचर होता है। यदि विद्यार्थी कमजोर है इसका मतलब समझ जाइए उसे सही टीचर ही नहीं मिला, सही गाइडलाइन करने वाला ही नहीं मिला मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के गुरु जी ए बी सी डी इतने अच्छे से पढ़ा दिए हैं कि चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के गुरुजी बढ़िया थे। उसी टाइप से मैथ्स भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो आप निश्चिंत रहें बेरा, आप कमजोर भी हैं तो श्योर मान लीजिए एक दिन गर्व से कहेंगे कि हाँ हम मैथ्स का स्टूडेंट हैं और आप इजी वे में रिजल्ट देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो आपका सपना है उस सपना पे कॉन्स्टेंट रहेंगे और हम उस सपना को पूरा करेंगे। किसी तरह से कोई भी सजेशन कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में लिखेंगे, कुछ भी दिक्कत है कहीं भी दिक्कत होता है यदि कहीं भी कमी है मेरे प्यारे बच्चों कभी कमी दिखता है वो सारी कमी को मुझे जरूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उस कमी को हम सुधार सकें। क्योंकि जब मेरी आप कमी को बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों मुझे काफी खुशी होगी, क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं जिसकी वजह से आप मेरे कमी के बताते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सब बिंदास होके कमेंट करेंगे, जैसा भी वीडियो लगेगा जो भी लगेगा वो सब मेरी बात कमेंट के जरिए आप मुझे करेंगे, हम सभी को रिप्लाई देंगे जरूर देंगे। और अभी स्टार्टिंग पीरियड का है तो थोड़ी मनी गलती हो ही जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो वॉइस बहुत सारा सराउंडिंग क्योंकि इस मामले में बिल्कुल अभी जीरो है, लेकिन श्योर मान लीजिए आपके करियर बनाने के मामले में हीरो है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो सपना है उस सपना को ये नहीं आप पूरा करेंगे तो करेंगे, ये दृढ़ संकल्प है मेरा और आप भी दृढ़ संकल्प बना लीजिए। चले मेरे प्यारे बच्चों तो ये कंडीशन कंप्लीट हो गया, इसे जरूर आप बार बार रिपीट करके बना के देखेंगे अपने तरीका से, जो है कोई भी क्वेश्चन को लेंगे उसे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, ये बेसिक नॉलेज था मेरे प्यारे बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब लाइव लेना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तब और ज्यादा मजा आएगा, तब आपके क्वेश्चन फेस टू फेस होगा तो जो है पढ़ाने का मजा ही कुछ और होगा। इसके लिए थोड़ा सा जो है सब्सक्राइबर और बढ़े तब लाइव हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अपने फ्रेंड सर्किल में आपके जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसके थ्रू मेरे चैनल को प्रमोट करवाएंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में भेजेंगे, उनसे सब्सक्राइब लाइक करवाने के लिए बोलेंगे और शेयर करने के लिए बोलेंगे,
ताकि जो है जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब और ज्यादा ज्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्स तीन टाइप का होता है। जैसे हम ले लेते हैं मेरे प्यारे 14/3/7 प्लस 16/2/7, 19/3/8 प्लस 16/5/24, 19/3/7 प्लस 16/2/9। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब भिन्न का जोड़ या घटाव देखते होंगे तो एक चीज को गौर करते होंगे, या तो हर समान होगा या हर डिफरेंट होगा। या तो हर समान होगा मेरे प्यारे बच्चों, या एक दूसरे से कटने वाला होगा, या तो दोनों अलग अलग होगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यदि हो सकता है कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि या तो हर समान होगा, या तो दोनों सेम होगा, या तो एक दूसरे से कटने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों, या तो दोनों का दोनों अलग अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों। बीच में प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो दोनों सेम होगा या एक दूसरे से कटने वाला होगा, या तो जो है ना दोनों अलग अलग होगा। तो इसका जो है ना तीन नाम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला का नाम जिसका हर समान होगा उसका नाम दे रहे हैं सेम बेस रूल। सेम बेस रूल, जिसका हर समान होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम सेम बेस रूल। जिसका हर एक दूसरे से कटने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात कुछ कॉमन ले सकते हैं, उसका नाम होगा कॉमन बेस रूल। एक दूसरे से कॉमन लेने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे से कटने वाला होगा, तो उसका नाम कॉमन बेस रूल रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी नामकरण हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि हर डिफरेंट होगा तो इसका नाम डिफरेंट बेस रूल मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट बेस रूल। ये तीन टाइप का जो है ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन में मेरे प्यारे बच्चों। या तो हर समान होगा, या तो हर एक दूसरे से कटने वाला होगा, या तो हर अलग अलग होगा। फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे इंट्रोडक्शन का, उसमें कुछ एडिटिंग में तामझाम किया गया था, जिसके मेरे कुछ शुभचिंतक बोले कि सर वीडियो में तामझाम नहीं होनी चाहिए। तो देखे होंगे पिछले वीडियो से अब कोई मतलब ये तामझाम नहीं दे रहे हैं, सिंपल वीडियो डाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उतना एडिटिंग करने का मुझे आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल जो पढ़ा रहे हैं वही चीज आपको हम डालेंगे, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल एंड डिफरेंट बेस रूल, तीन रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अभी चर्चा करते हैं सेम बेस रूल का। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सेम बेस रूल, कहने का मतलब जिसका हर समान हो। लिख देते हैं जिसका जिन दो भिन्नों का अंश हर समान हो। जिन दो भिन्नों का हर समान होगा मेरे प्यारे बच्चों उसको सेम बेस रूल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे
18 अपॉन 4 बाय 11 प्लस 16 अपॉन 2 बाय 11। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को सदैव ध्यान में रखना, चाहे सेम बेस रूल हो या कॉमन बेस रूल हो या डिफरेंट बेस रूल हो, किसी रूल में सब, उससे भी पहले एक बात और जान लो, जब भी पूर्णांक में कोई भी टर्म दे दिया जाए, मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक में जब भी कोई भी टर्म देगा तो श्योर मान लीजिए अंश छोटा होता है सदैव और हर क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जिसके कारण भाग जब देते हैं तो अंतिम स्टेप में जितने बार में लगता है फाइनल वही लिखते हैं, जब भाग नहीं लगता है तब वही उसी को जो है ना शेष रखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जिसको अंश बोला जाता है। तो सदैव मान लीजिए कि पूर्णांक में जो भी टर्म दे दिया जाए, सपोज दैट 18 अपॉन 7 बाई 5 दे दिया जाए, श्योर मान लीजिए प्यारे बच्चों अभी इसमें और भाग लगेगा, 7 में 5 से अभी और भाग लगेगा एक बार में, तो जितने बार में भाग लगेगा उसको ऐड करेंगे, 18 × 19 पूर्णांक 2/5। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बता रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, क्वेश्चन में सेम बेस रूल हो या कॉमन बेस रूल हो या डिफरेंट बेस रूल हो, सेम बेस रूल हो या कॉमन बेस रूल हो या डिफरेंट बेस रूल हो, सभी में सबसे पहला काम जो है ना पूर्णांक का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम पूर्णांक का करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। जोड़ है मेरे प्यारे बच्चों 18 + 16 = 34 पूर्णांक। सेम बेस रूल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट अंश को जोड़ दीजिए, 4 + 2 = 6/11 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे याद है हम लोग जब बच्चे थे उससे हम लोग गुरुजी पढ़ाते थे इसको सॉल्व करने का, इसको इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको इसको गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर कैलकुलेट करना है, फिर भाग देना है। मेरे प्यारे बच्चों, काफी लंबा हो जाते थे, लेकिन हम लोगों के पास एक क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकेंड है। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, जनरल मैथ, 30 सेकेंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे वैसे सेक्शन बताएंगे जो विद इन 5 सेकेंड में भी बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आप देखते चलेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं, 19 upon 15 by 17 + 16 upon 1 by 17। सेम बेस रूल हो, कॉमन हो या डिफरेंट हो, कोई भी रूल हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है ना हम लोग पूर्णांक को देखेंगे। पूर्णांक 19 + 16 = 35 पूर्णांक। अब अंश को जोड़ेंगे, 15 + 1 = 16/17 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 29 पूर्णांक 19/41 माइनस दे दिया जाए 18 पूर्णांक 12/41। मेरे प्यारे बच्चों, सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट हो, तो इसको देखना है, सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट हो, सबसे पहले पूर्णांक का जोड़ घटाव करेंगे। 29 यहां माइनस है तो माइनस करेंगे, 29 - 18 = 11 पूर्णांक, 19 - 12 = 7 बाई 41। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सेम बेस रूल हो या कॉमन या डिफरेंट हो, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ रहने पर जोड़ देते हैं, घटाव रहने पर घटा देते हैं। जैसे आपको दे दे इसी क्वेश्चन में 24 पूर्णांक 15 by 29 - 24
अपॉन 12/29। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे सेम बेस रूल है, 24 प्लस में 24 माइनस में कैंसिल कर देंगे, 15 माइनस 12 मेरे प्यारे बच्चों 3/29 कंप्लीट। यदि इसी में दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 31/47/59 -25/47/59। आप यहां पे देख रहे हैं 47/59 प्लस में 47/59 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, तो बीच में भी माइनस आ जाएगा। यदि प्लस रहता तो आप जानते हैं बीच में प्लस ही होती है। 31 - 25 = 6 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन को इजी वे हम बनाते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो आपको फंसाता है। यदि आपको दे दिया जाए 29/5/11 -14/9/11 मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया जाए। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिएगा, बहुत सारा इसका ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा 15/4/11, ऑप्शन सेकंड रहेगा, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना 15/4/11 मारते हैं जो कि गलत है। देखिए बच्चों यहां पे क्या करना है, हल्का सा ट्विस्ट है। 29 - 14 = 15, 29 - 14 = 15। अब चलिए यहां 5 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो आपका बीच में माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बड़ा होता है प्लस वाला बड़ा है तो सिंबल प्लस, माइनस वाला बड़ा है तो सिंबल माइनस हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों माइनस बड़ा है तो सिंबल माइनस हो जाएगी। 9 - 5, 9 में से 5 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/11। याद कीजिए कुछ क्षण पहले का हम एक टर्म बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, यदि अंश छोटा हो हर से और किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो, किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो मेरे प्यारे बच्चों और अंश छोटा हो हर से, उसके लिए कितना घटाते हैं 1, तो 15 में से 1 घटाएंगे 14 पूर्णांक, नीचे से ऊपर घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों 11 - 4 = 7/11 आंसर। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 49/15/61 - 40/55/61। मेरे प्यारे बच्चों यहां 49 - 40 = 9 लेंगे, -55, ये माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, सिंबल माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 55 - 15 = 40/61। अब देखिए अंश छोटा है हर से मेरे प्यारे बच्चों, अंश छोटा है हर से, उसके लिए 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटेगा 8 पूर्णांक, नीचे से ऊपर घटाइए मेरे प्यारे बच्चों 21/61 आंसर। इस तरीका से सेम बेस रूल आप कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस पे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन अपने मर्जी से लेकर बनाकर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी परेशानी आती है तो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है ना हम आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक मेरे फ्रेंड सर्किल में एक टीचर, वो भी मैथ्स के टीचर हैं, बहुत अच्छे से मुझे बोले कि सर अब बिल्कुल ये बच्चा से क्यों स्टार्ट किए हैं,
क्योंकि जनरली जितने भी कम्पिटेटिव टीचर होते हैं, कोई परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, कोई मिक्स एलिगेशन, कोई टॉपिक नॉर्मल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इजी वे में बच्चे समझ जाए, क्योंकि उनका एक धंधा है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरा जो है ना एक ही टारगेट है, आपको बाय लिप्स एंड बॉन्ड आगे बढ़ाना, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से उन्हें हम डायरेक्ट एक ही बात बताए कि सर हम बच्चे को नीचे से उठाएंगे और हाई लेवल पे लेके जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन, उसको धजिया उड़ाने की जो है ना कैपेसिटी पावर डालेंगे अपने विद्यार्थी के अंतर्गत। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किए हैं। और आप ये मत समझिए ये सब तो छोटा चीज है, इससे क्या देखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप जानते हुए फिर भी एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को, एक एक सेकेंड को जरूर देखेंगे, क्योंकि हो यदि आप जानते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगी, यदि नहीं जानते तो आपको बहुत सारा सीखने का मौका मिलेगा। जहां भी दिक्कत होगा एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखेंगे, कोई परेशानी होती है मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों। सेम बेस रूल कंप्लीट हो गया, अब आगे की ओर बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड है कॉमन बेस रूल, जिन दो भिन्न का हर में कॉमन हो, अर्थात एक दूसरे से कटने वाला हो, जिन दो भिन्नों का हर जो है एक दूसरे से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम लोग कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो देखेंगे। कॉमन बेस रूल, जैसे 14/3y7 + 16/2y21 दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों एक बात को सदैव ध्यान में रखना, हम आपको बताए हैं सेम बेस रूल हो, कॉमन हो या डिफरेंट, कोई भी रूल हो, सबसे पहले हम लोग जो है ना पूर्णांक का ही काम करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे एक रूल हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा सबसे पहले छोटा से बड़ा में भाग देंगे, छोटा से बड़ा में भाग देंगे। जैसे इसका रूल है, हम लोग देखते होंगे घर के किवाड़ और खिड़की के पीछे जो है ना दो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस मेथड का जन्मदाता मेरे कारपेंटर भाई को ही हम मानते हैं, क्योंकि ये सिंबल को ही देखने के बाद मेरे माइंड में ये मेथड आया था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये सिंबल आप देखते होंगे घर के किवाड़ के पीछे या खिड़की के पीछे, यह सिंबल को देखने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह सिंबल जो है कॉमन बेस रूल का है। क्या करता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कारपेंटर भाई के दिमाग में एक बार बात आई क्यों ना कुछ ऐसा चीज बनाया जाए, ऐसा रूल दे दिया जाए जिससे आने वाले विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखने को मिले। बेचारे इतना किए आगे नहीं कर पाए, उनकी ड्रीम को जो है ना उनका जो ड्रीम है उनका ड्रीम को हम लोग पूरा करते हैं। बस छोटा सा चीज लिखना था, यहां पे छोटा लिखना था, यहां बड़ा लिखना था, और छोटा से बड़ा में भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, और तिरछा गुना करना, जोड़ है तो जोड़ देना है, घटा देना है तो घटा देना है। छोटा से बड़ा में सपोज दे यदि छोटा यहां हो बड़ा यहां होगा, छोटा से बड़ा में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ रहे तो जोड़ देंगे, घटा रहे तो घटा देंगे। छोटा से बड़ा हम भाग देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ रहे तो जोड़ देंगे, घटा रहे तो घटा देंगे। छोटा से बड़ा हम भाग देंगे मेरे पास, जिधर भी छोटा हो छोटा से बड़ा हम भाग देंगे।
उससे भी पहले आपको हम बताए थे कि सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट हो, कोई भी रूल हो, सबसे पहले हम लोग जो है ना पूर्णांक का काम करते हैं। प्लस है 14 प्लस 16 30 पूर्णांक। अब छोटा से बड़ा हम भाग दीजिए, 7 तिया 21 तीन बार में, कितने बार में लगाना मेरे प्यारे बच्चों, तीन बार में। 7 तिया 21 तिरछा गुना करेंगे, 3 तिया 9 और प्लस 2 9 2 11 बटा बड़ा वाला आंसर। कैसा भी क्वेश्चन इजी में बनेगा मेरे प्यारे बच, देखते जाइए। यदि 29 पूर्णांक 8 बटे दे दिया जाए 35 प्लस 6 अपॉन 6/7, यहां पे और कुछ ले लेते हैं छोटा मेरे प्यारे बच्चों, 3 ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेम बेस रूल हो, कॉमन हो या डिफरेंट हो, सबसे पहले पूर्णांक का काम करेंगे। 29 प्लस 6 35। अब छोटा से बड़ा हम भाग देंगे, 7 पचे 35, इसमें इधर छोटा था इसमें इधर छोटा है, 7 पचे 35 पांच बार में, तिरछा गुना 5 6 30 और 30 3 33 बटा 35 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों एचसी में दे देगा 18 पूर्णांक 5/11 माइनस 12 पूर्णांक 13/55। मेरे प्यारे बच्चों सेम बेस रूल हो, कॉमन हो या डिफरेंट हो, कोई भी रूल हो, पहले पूर्णांक का काम करेंगे। 18 माइनस 12 6। अब देखिए छोटा से बड़ा में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 पचे 55 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पचे 25, देखिएगा छोटा से बड़ा में भाग देंगे 11 पचे 55 5 बार में, तिरछा गुना करेंगे 5 पचे 25, अब 25 में से 13 जाएगा 12/55। यदि आपको दे दिया जाए 29 पूर्णांक 13 माइनस 12 पूर्णांक 9/52। अब ये क्या करेंगे, 29 माइनस 12 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 माइनस 12 इक्वल टू 17 पूर्णांक, छोटा से बड़ा हम भाग देंगे, 13 6 52 चार बार में, तिरछा गुना करेंगे 4 4 16 4 4 16 में से 9 जाएगा 7/52। इसी क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि 35/4/25 माइनस 16/3/5। मेरे प्यारे बच्चों बस सेम बेस रूल है, सॉरी कॉमन बेस रूल है, कॉमन बेस रूल हो या सेम बेस रूल हो या डिफरेंट बेस रूल हो, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पूर्णांक के काम में हम ये देखते हैं, देखिए 35 माइनस 16 सबसे पहले करेंगे, 35 माइनस 16 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 19। अब छोटा से बड़ा हम भाग देंगे, 5 5 25 5 3 15 15 माइनस में हो जाएगा, फिर से 5 5 25 5 3 15 15 माइनस में अब प्लस में 4 माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 15 में 4 जाएगा 11/25।
अंश छोटा है हर्ष मेरे प्यारे बच्चों, अंश छोटा हर्ष, इसके लिए एक घटाएंगे तो 19-1 घटेगा, क्योंकि आपको पहले बताया यदि किसी संख्या में से भिन्न को घटाना है, यदि अंश छोटा हर्ष है उसके लिए एक घटाएंगे तो 19-1 18 पूर्णांक, नीचे से ऊपर करेंगे मेरे घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 25-11 14/25। इस तरीका से मेरे प्यारे बच्चों कॉमन बेस रूल का भी जो है ना कंप्लीट हो गया। अब जो है हम आपको डिफरेंट बेस रूल बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों कॉमन बेस रूल जो है ना ये कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस पे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, तो आप सब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब अगला रूल है तीसरा, डिफरेंट बेस रूल मेरे प्यारे बच्चों। बस मेहनत करते चलिए, मेहनत कीजिए। अब तो सिलेबस भी चेंज हो गई मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई का न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे होता है। इसका रूल है 5+3+3+4, इसको कैसे ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है हम आपको जो है अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, यही न्यू पॉलिसी है एजुकेशन का, इसका तात्पर्य क्या होता है इसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करेंगे, क्या है क्या नहीं है अगले क्लास में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट बेस रूल, जिन दो भिन्न का हर एक दूसरे से अलग हो, भिन्न हो, मेरे प्यारे बच्चों जिन दो भिन्न का हर एक दूसरे से अलग हो डिफरेंट बेस रूल होगा, जैसे 15/2/7+16/3/11। मेरे प्यारे बच्चों ये अलग अलग है तो आपको बता रहे इसके लिए बहुत ही जबरदस्त रूल है। जैसे अभी सावन का महीना है, सावन के महीना में जो है प्रत्येक विद्यार्थी बहुत सारे लोग जो है ना भोला बाबा पे जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं और भोला बाबा से एक बात पूछते हैं कि भोला बाबा मुझे जो है ना एस एस में ज्वाइन करवा दीजिए, बैंक में ज्वाइन करवा दीजिए, कर दीजिए वो कर दीजिए, मुझे मैथ तेज बना दीजिए, बहुत सारे उनसे दुआ करता है, उसके बदले घूस में जो है ना भोला बाबा पे जल भी चढ़ाते हैं लोग। तो भोला बाबा जो है वहां पे डमरू दिखाते हैं, लेकिन आप सब सोचते होंगे चलिए डमरू जो है जब भोला बाबा कोई नहीं रहता होगा तो इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना डमरू रखे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों डमरू से जो है ना वह मेथड को बता रहे हैं, वो डिफरेंट बेस रूल के बारे में बता रहे हैं कि लो आए हो तो लो डिफरेंट बेस रूल सीख के चल जाओ। चलिए ये डमरू रूल जो है ना डिफरेंट बेस रूल का है मेरे प्यारे बच्चों, डमरू रूल। चलिए बस कुछ लिखना है, मल्टीप्लाई आप जानते हैं भोला बाबा जो है ना संहार कारक होते हैं, खाली काट खुट करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहां जोड़ है तो जोड़ दें, घटा रहे तो घटा दें, दैट्स ऑल। आपका जो है ना ये डिफरेंट बेस रूल कंप्लीट हो गया मेरे पास, यही रूल है। चलिए सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट कोई भी रूल हो, सबसे पहले पूर्णांक का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15+16 31 पूर्णांक, या अंधेरा कायम रहे जो शक्तिमान चैनल आती थी उसमें होता था, वही फंडा भी अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 2 = 22 7 = 21 22 = 21 43 11 × 7 = 77 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 19/3/8+16/2/5 सिंपल सा बात है मेरे प्यारे बच्चों,
सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट हो, कोई भी रूल हो, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक का काम करते हैं। वो पूर्णांक जो है ना 19 प्लस 16 जोड़ेंगे बराबर 35 पूर्णांक, 5 या 15 आठ दूनी 16, 16 प्लस 15 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 31, यहां 8 बचे 40। बस क्रॉस मल्टीप्लाई 5 या 15 आठ दूनी 16, 16 प्लस 15 31 बटा 8 पचे 40, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए 23 अपॉन 7 बाई 9 माइनस 16 अपॉन 5 बाई 11 दे दिया जाए, सेम बेस रूल हो या कॉमन हो या डिफरेंट हो, कोई भी रूल हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पूर्णांक का जोड़ घटाओ। 23 माइनस 16 करेंगे, 23 माइनस 16 करेंगे 7 पूर्णांक, 11 77 होगा और 9 5 45 होगा, सॉरी 45। अब इसको घटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, 32/99, 32/99 मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। यदि सपोज दैट इसी क्वेश्चन में दे दे 29 पूर्णांक 4/9 माइनस 12 पूर्णांक 5/8, मेरे प्यारे बच्चों सेम बेस रूल, कॉमन डिफरेंट कोई भी रूल हो, सबसे पहले पूर्णांक का काम करेंगे। 29 माइनस 12 इक्वल टू 17, माइनस से माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 6 32 9 5 45, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस में 32 है, माइनस में 45 है, माइनस वाला बड़ा इसलिए सिंबल आपका माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 32 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 13/9 72। देखिए बस पहले वाला रूल पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो और अंश छोटा हो हर से, उसके लिए एक घटाएंगे तो 17 में से एक घटाएंगे 16 पूर्णांक, नीचे से ऊपर घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 में से 3 गया 9, या 6 में से 1 गया 5/72 आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपका डिफरेंट बेस रूल भी जो है ना आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और अब जो है आपको सोचना है कि ये सिर्फ मेरे कंप्लीट करने से नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी कंप्लीट करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आप लेंगे, उसको मेथड जो बताएं उस मेथड पे डालकर देखेंगे अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब देखेंगे चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे हम आपके साथ, मेहनत करने के लिए जब तैयार हैं तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। और बस एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि आपका YouTube चैनल नाम है मैथ्स इज इजी विथ राज सर, यहाँ पे नाम से ही शो होगा मैथ्स इज इजी, हम आपको मैथ्स को इतना इजी कर देंगे, चाहे वो SSC का हो, बैंक हो, रेलवे हो, फोर्स हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस आज भाई इतना ही रहने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसे जितना ज्यादा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझने में आ रहा हो, समझ में पूरी तरह से समझा रहा हो, तभी सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जो है यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसको हल्का में मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, प्रतिदिन मेहनत करना है, एक बार वीडियो देखना है, दो बार देखना है, तीन बार, अर्थात जो भी वीडियो हम प्रतिदिन डालेंगे उस वीडियो को आप पूरी तरह से कमांड कर लेंगे। चलिए बच्चों आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित रहिए क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होते जा रहा है, आप अपने आप में सेफ रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ सही रहेगा, घर पे ही रहिए, और अभी तो बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं है पढ़ाई के लिए, बस आप घर पे ही मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। चलिए बच्चों
आज भाई इतना ही। मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को ढेर सारे शुभकामना। मेहनत कीजिए, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भोला बाबा से दुआ करते हैं कि आप सबकी सफलता जो है जितना जल्द से जल्द मिले। और बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, थैंक यू।